सोनी मैक्स सेट मैक्स पर बार बार क्यों चलती है सूर्यवंशम? जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है और मरा हुआ तैरता है। रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगती? घोड़ा खड़े होकर ही क्यों सोता है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस फैक्ट भरे चैनल। दोस्तों, खून भरी उल्टी से प्रसिद्ध मूवी सूर्यवंशम को बार बार सोनी और सेट मैक्स पर दिखाना यह आश्चर्य की बात से कम नहीं। लेकिन क्या आपको पता है इस मूवी को बार बार सोनी और सेट मैक्स पर ही क्यों दिखाया जाता है? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। सूर्यवंशम जिस साल रिलीज हुई उसी साल ये दो बड़े चैनल अपने अस्तित्व में आए और मूवी के 100 साल के प्रकाशित करने वाले राइट्स को इनने खरीद लिया। यही कारण है कि सूर्यवंशम को बार बार सोनी और सेट मैक्स पर दिखाया जाता है। अब बात करते हैं अगले फैक्ट की। जिंदा इंसान जो पानी में तैरना नहीं जानता वह डूब जाता है और एक मरा हुआ इंसान पानी में तैरता है। क्या आपको पता है क्यों? सोचो नहीं दोस्तों, कमेंट करके बताओ। पानी में वही चीज डूबती है जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है। जब हम जिंदा होते हैं तब हमारी बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है और हम डूबने लगते हैं। पर एक मृत शरीर में पानी घुस जाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी की डेंसिटी पानी से हल्की हो जाती है और हमारी बॉडी ऊपर तैरने लगती है। क्या आपको ये पता था? क्या आपको पता है कि हर साल पानी में वो लोग ज्यादा डूबते हैं जो पानी में तैरना जानते हैं, बल्कि वो लोग कम जो पानी में तैरना नहीं जानते। इसके पीछे का लॉजिक आपको पता है? जो लोग पानी में तैरना जानते हैं वही खिलाड़ी बनते हैं और जो लोग नहीं जानते वो पानी में उतरते ही नहीं है। इसलिए आग पानी बिजली से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। क्या आपको पता है रेल की पटरी पर ही जंग क्यों नहीं लगती? वो सालों साल हवा पानी बारिश धूप में रहती है तब भी उस पर जंग नहीं लगती। क्या आपको पता है क्यों? नहीं पता तो आप जान लीजिए। रेल की पटरी लोहे की ना होकर स्टील प्लस मैंगनीज की होती है। इनके मिक्सचर को हेटफील्ड स्टील अलॉय कहते हैं। इसमें स्टील के साथ ही 12% मैंगनीज और 1% तक कार्बन होता है और यही कारण है कि पटरी के अलॉय का ऑक्सीडेशन रेट काफी कम हो जाता है और सालों साल तक इनमें जंग नहीं लगती। अब बात करते हैं घोड़े की। क्या आपने कभी घोड़े को जमीन पर बैठा हुआ या लेटा हुआ देखा है? नहीं ना, तो वो क्या खड़े खड़े सोता है? जी हाँ दोस्तों, वो खड़े खड़े सोता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घोड़े के शरीर की बनावट ही ऐसी होती है, अगर वो लेटता है तो उसकी गर्दन का मांस उसकी सांस नली को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से घोड़े सांस लेटकर नहीं ले पाते और यही कारण से हमेशा घोड़े खड़े खड़े ही सोते हैं और खड़े खड़े ही रहते। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसे फैक्ट्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करिए। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का दिन मंगलमय हो।